355 लगने के बाद राज्य की सुरक्षा, वहां संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। अब आपको वो भी आंकड़े दिखा दें जो बेचैन करते हैं, नेताओं के भी बयान बताते हैं। मेरी एक तरफ आप नेताओं के बयान देख रहे हैं तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में हत्या के आंकड़े। बंगाल में पंचायत हिंसा को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भी लपेट लिया। स्मृति ईरानी ने पूछा कि राहुल गांधी खून बहाने वालों से गठबंधन के लिए मजबूर क्यों है। वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि वो अब नहीं दिखेंगी। इस बीच आपको बता दें कि 8 जून यानी जिस दिन पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, तब से लेकर अब तक बंगाल में 39 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसको थोड़ा और करीब से बताएं तो जिस दिन वोटिंग होनी थी यानी 8 जुलाई, उससे एक रात पहले से लेकर अब तक, मतलब 8 और 9 जुलाई दो दिन में, एक रात से लेकर 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आज अब तक कुल 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ लूटे गए, जगह जगह हिंसा हुई। 8 जून को जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से वोटिंग तक 17 लोगों की हत्या हुई और वोटिंग डे से एक रात पहले से अब तक 22 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस रक्त रंजित चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात करेंगे और बंगाल में चुनावी हिंसा पर रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगभग 7:10 पर मिलेंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव हुए या हिंसा का पर्चा कटा, इस पर सियासी बवाल आ गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी सब मिलकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी इस हिंसा की सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो हाल ही में पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक में बैठे हम साथी कांग्रेस भी ममता को आंखें तरेर रही है। वहीं टीएमसी कह रही है ऐसे राज्यपाल की जरूरत बंगाल से ज्यादा मणिपुर में है। और हंड्रेड ऑफ पीपल वो लोग सीरियसली इंजर्ड है और कम से कम आउट ऑफ 61,000 बूथ 20,000 बूथ में पूरा कंप्लीट रिग हुआ। इस तो ये तो चुनाव खत्म कर दिया ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन की मिला भगत में चुनाव पूरा खत्म और बंगाल इज नाउ बर्निंग। द स्टेट गवर्नमेंट द इलेक्शन कमीशन द पुलिस द ट्रायम्फेट दे गॉट द टेमिरिटी ऑफ फ्लाउटिंग ईच एंड एवरी डायरेक्शन of the honorable courts upor theke delhi theke je bhabe onar kache adesh asche uni chesta korchen onar simabaddho ikhtiyar onujayi khomota onujayi jate shei adesh guno okkhore okkhore palon kora jay। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर याचिका मंजूर कर ली गई। उन्होंने न सिर्फ हिंसा की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की, बल्कि ये भी गुजारिश की है कि मरने वाले गरीब तबके से आते हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। बंगाल की राजनीति विपक्षी एकता के दम की भी हवा निकालती है और अब जबकि कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ स्टैंड ले लिया है, तो बीजेपी पलटकर कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी को खून बहाने वालों से गठबंधन मंजूर है। टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? Why this kind of violence took place? As a consequence of which death toll of the state West Bengal has been continuing unabated. It is virtually going up. I urge upon the judiciary that an investigation should be conducted. वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हिसाब से पंचायत हिंसा में कुछ न कुछ निकाल ही लिया। कह रहे मरने वाले 20 लोगों में से 15 मुसलमान हैं, मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है टीएमसी और बीजेपी। इधर बंगाल में आज फिर से 697 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। कुछ बिहार जहां 53 बूथ में रिपोलिंग हो रही है, वहां कई जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीती रात कांग्रेस की उम्मीदवार नूर लहर बीवी के घर पर हमला हुआ। आरोप है कि बम भी फेंके गए और उनके घर पर फायरिंग भी की गई।
पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। 2024 के पहले ये चुनाव सबसे बड़ा चुनावी घमासान है जो ये तय करेगा कि किसकी कितनी लोकप्रियता है, और शायद इसीलिए चुनावी हिंसा का ये चक्रव्यूह मजबूत ही होता जा रहा है जो बंगाल का पीछा नहीं छोड़ता। आज तक ने भी अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे 1000 रुपए में ग्रेनेड और 500 में हाथ बॉम्ब खरीदा जा रहा है। चुनावी हिंसा का बाजार बंगाल में ऐसे सजता है और कमाल है कि पुलिस प्रशासन को दिखता भी नहीं। इस सियासी उफान के बीच बंगाल के राज्यपाल का आज राष्ट्रपति से मिलना क्या ऐसे संकेत देता है कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? आज तक ब्यूरो मैं आपके साथ गौरव भाटिया जी शुरुआत करना चाहती हूँ। ये टीएमसी का कहना है कि इन राज्यपाल को तो मणिपुर का राज्यपाल होना चाहिए था। ऐसी ही हिंसा वहां पर हो रही है, लेकिन वहां पर इस तरह की सरगर्मी नहीं दिखाई देती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को आप लोग टारगेट करने के लिए ये हलचल मचा रहे हैं। गौरव जी, अंजना जी, उनका क्या कहना है मैं अभी उस पर आऊंगा और उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन ये दिखाता है किस तरह से काला धब्बा लोकतंत्र में लगना पश्चिम बंगाल में अब आम बात हो गई है। और मैं आपको बताता हूं, 2 मई कानून व्यवस्था गई, याद करिए 2 मई विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद किस तरह से वहां हिंसा हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी जांच कराई और देखा कि FIR भी लिखी नहीं जा रही थी। फिर याद करिए बीरभूम का जो हिंसा हुई, 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। फिर याद करिए, देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये पिछली बार जब पंचायत चुनाव हुए थे 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी अंजना जी, उन्होंने कहा जमीन पर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये हाथ में है वो न्यूज, क्योंकि 34% जो है निर्विरोध टीएमसी के काउंसलर्स बने थे। और चौथा, अब दोबारा पंचायत चुनाव में ये हो रहा है। दुख की बात यह है कि हिंसा का ये जो तांडव हो रहा है ये अब पश्चिम बंगाल में आम बात बन गया है, और एक मुख्यमंत्री को चाहिए वो आके माफी मांगे, कानून व्यवस्था को बहाल करे। वो क्या कह रही है, मैं उनका भी एक वक्तव्य देख रहा था अंजना जी, उन्होंने कहा जब लेफ्ट की सरकार थी तो हिंसा और होती थी, अगर 39 हमारे भाई बहन मारे गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हवाला दे रही है लेफ्ट की सरकार का। दूसरा, उन्होंने एक राजनीतिक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हम पे इस तरह के आरोप लगा रही है और हमारे साथ बैठक कर रही है, मतलब वो चाहती है कि कोई पार्टी ये बात ना उठाए। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंजना जी दिखाई नहीं दे रहे? राहुल गांधी जो कहते थे विदेशी धरती पर कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जब ये जंगल राज चल रहा है, तमंचे बम विस्फोटक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को लोकतंत्र दिखाई दे रहा है या उनकी कोई मजबूरी है कि वो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं? और एक बात मैं और कहूंगा, अगर एक पार्टी अपने विपक्ष होने की भूमिका मजबूती से निभा रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज मायने ये नहीं रखता है कि कितने भाजपा के वर्कर थे, कितने टीएमसी के थे, आज मायने ये रखता है कि जो व्यक्ति अपना वोट डालना चाहता है उसको कैसे डराया जाता है और वो अपनी जान से हाथ गवा देता है। ऋजु दत्ता जी, मणिपुर का नाम लेकर आप बच लेंगे, आप सरकार में हैं और ये चुनावी हिंसा की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं चुनावों में लोगों का मरना और मार देना, और आप मणिपुर का नाम लेके हो जाएंगे जहां पर 2 समुदायों में आपसी भिड़ंत हो रही है, उसका नाम लेकर आप यहां पर जवाबदेही से बच जाएंगे, ये कौन सी दलील है? नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी, देखिए हमने सिर्फ मणिपुर का बात इसलिए उठाया क्योंकि बीजेपी के जो लोग यहाँ पर आके भाषण देते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो स्टेशन मास्टर बने बैठे हैं अभी, वो उनको मणिपुर याद नहीं आता, पर दूसरे जगहों पे मौतें दिखती है, लाशें दिखती है, पर जो हुआ बंगाल में उसको कतई हम समर्थन नहीं करते, ऐसी चुनावी हिंसा नहीं होनी चाहिए। पर इसमें जो तृणमूल कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है इससे हमें थोड़ी दिक्कत है, और क्यों मैं एक मिनट में बता देता हूँ। आज जितने लोगों की मौतें हुई हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 38 लोगों में 25 लोग तृणमूल कांग्रेस, मेरे भाई बहन हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं जिनकी मौतें हुई हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस ये करती तो हम अपने लोगों को मारते, पहली बात।
दूसरी बात, बंगाल में कुछ भी हिंसा होगा तो नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया से लेके विपक्ष के सारे पार्टियां हम पे उंगली उठाएंगे, तो हमको क्यों करना है ये चीज। और तीसरी बात, अगर आप किसी भी चैनल के एग्जिट या ओपिनियन पोल को ले ले, किसी भी चैनल का, स्टेट या नेशनल, पंचायत इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, तो हमको क्या जरूरत है ये कराने की। और जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हुआ है, प्रशासन से लेके पुलिस फोर्स से लेके सेंट्रल फोर्सेस सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन में, यहाँ पर टीएमसी का क्या रोल है, पहली बात। दूसरी चीज, टीएमसी का रोल कहाँ पर आता है मैं आपको बताती हूँ ऋजु दत्ता जी, मुझे इसलिए टोकना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत सफाई से हाथ मलने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे से। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया कि 1000 रुपए में ग्रेनेड, 500 रुपए में हाथ बॉम्ब मिल रहा है, ये कौन रोकेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, ये बीजेपी वहां पर बेच रही है। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपने ये बात सही, अंजना जी आपने बिल्कुल सही बात बोला, बट आपको पश्चिम बंगाल का भौगोलिक जो मैप है, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी, वो समझना पड़ेगा। एक साइड में बिहार है, एक साइड में झारखंड है, एक साइड में फॉरेन बॉर्डर्स है, तो यहाँ से बहुत कुछ होता है। मेरे कुछ तीखे सवाल है जो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे थोड़ा सा जवाब दे रहे। 2018 का बात उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार है क्या पश्चिम बंगाल में, कि इस पर भी उन्हीं से सवाल पूछेगा। एक तो बीजेपी ने आदत पाल रखी है कि वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। आप सत्ता में हैं पश्चिम बंगाल में, आपको भी वही लत लग गई है कि बीजेपी से सवाल पूछना है। मुझे बताइए ना, ग्रेनेड क्यों मिल रहा है, ग्रेनेड क्यों बिक रहा है, हाथ बॉम्ब क्यों बिक रहा है, आपकी पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिखता, पहले मेरा जवाब दीजिए। पुलिस प्रशासन को जो करना था मैडम उन्होंने किया, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी लाइब्रेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पंचायत जिस दिन से घोषणा हुई उससे वोट के दिन तक आप चलाइए कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से लेके ऋजु दत्ता से लेके हर नेता ने टीवी पे या सार्वजनिक मंच से कितनी बार बोला है कि हमें शांति चाहिए। और आप एक गौरव भाटिया जी से मैं एक चैलेंज करूंगा कि गौरव भाटिया मेरे को एक वीडियो दिखा दे जहां वहां उनके नेता प्रतिपक्ष या उनके किसी भी पार्टी के लीडर ने कहा हो कि हमें बंगाल में शांति चाहिए। मैं आपको 100 वीडियो दिखाऊंगा जहां नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, और आज मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अंजना जी थोड़ा ले लीजिए, कि मैंने अपने कैडर्स को बोला बैलेट बॉक्स पानी में डाल दो, मैंने बोला है उनको पेड़ से बांध के पीटो, ठीक है। मुझे सरकार वही चला रहे हैं ना, इसलिए आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए, बाकी वो आपसे देश के मुद्दा हो तो वो आपसे पूछेंगे। जल्दी से वारिस पठान साहब आपके पास आते हुए, वैसी साहब को इसमें भी धर्म दिख गया, क्या करते हैं आप लोग, पहले जो जिनकी मौत हुई है लिस्ट मंगाते हैं, फिर टिक करते हैं किसके आगे एच लिखना है, किसके आगे एम लिखना है, उसके बाद इशू क्रिएट करते हैं, क्या पॉलिटिक्स है आपकी? देखिए नहीं, देखिए अंजना जी, बीजेपी और ये टीएमसी दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी वहां पे पोल के अंदर वायलेंस हो रहा है जिसमें तमंचे निकाले जा रहे हैं, बम निकाले जा रहे हैं, टीएमसी वाले बोलते हैं कि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि टीएमसी वहां पे ममता दीदी की सरकार है वो फेल हो गई है। वो पूरी सत्ता की लड़ाई तो चल रही है, हम आप सब देख रहे हैं, मगर इसमें भुगतान किसका हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना। पोल के पहले 42 लोगों की जान चले गई जिसमें 28 मुसलमान थे। सुना कि नहीं आपने, जिस दिन इलेक्शन हुआ पोल के दिन 20 लोग मर गए जिसमें 15 मुसलमान थे, तो मैं तो बोलूंगा ना कि आप सत्ता के लिए मुसलमान बली का बकरा बनाएंगे ये लोग। नहीं नहीं, देख रहे ना आप, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े वारिस पठान ने घर में बैठ के नहीं बनाए, तो वेबसाइट के ऊपर लाइव है, ये तो मुसलमानों की कब्रों के ऊपर बैठ के क्या अपनी राजनीति करेंगे, मुसलमानों की कब्र के ऊपर बैठ के क्या अपनी सत्ता चलाई जाएगी, क्या हो रहा है हमारे देश में, ये सारे मुसलमान और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे अंजना जी, हमारे देश में मुसलमान की जान की कीमत रही कहां है, एक गाय से कम हो गई है जान की कीमत, और आप हम देखो किस तरह से मर रहे हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते टीएमसी वाले, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बीजेपी? मैं आपको सीधे लिए चलते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपको उस कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की हिंसा पर जानकारी हासिल करेगी और आगे तफ्तीश करेगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो घटनाएं हैं, अब तक 39 लोगों के मारे जाने की खबर है, आरोप सर दोनों तरफ से लग रहे हैं। टीएमसी वाले कहते हैं हमारे ज्यादा नेता मारे गए हैं, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे ज्यादा नेता मारे गए हैं, क्या हिंसा अगर दोनों तरफ से हुई है तो इसमें स्वाभाविक और तार्किक रूप से कोई लॉजिकल कंक्लूजन हो पाएगा कि हाँ ये हिंसा हुआ या स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह का वायलेंस हुआ, किस तरफ होगी ये जांच?
देखिए मैं पहले बहस में नहीं कूद रहा हूं, मुझे आप बहस में मत उतारिए, जो बहस लोग कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि आपने आग्रह किया तो मैं आया हूं। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि बहुत पीड़ादायी है, दुखदायी है, और आपके चैनल पर जो बम का व्यापार दिखाया है आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन में, उससे अधिक और क्या कहा जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे संयोजकत्व में एक एमपी की कमेटी बनाई है, कल मैं जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा अंजना जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें स्थिति को देखने के लिए जाने दिया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की सरकार हमें प्रभावित इलाकों का दौरा करने देगी और जो पीड़ित हैं विक्टिम्स हैं उनसे बात करने देगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाह रहा हूँ। अब जहाँ तक दूसरा सवाल है, वो तो पीड़ादायी है ही है, मतलब आप बैकग्राउंड को कैसे इग्नोर कर सकती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ बार बार हुई हैं, एक इलेक्शन नहीं उससे पहले भी हुई हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, इस मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने और तल्ख टिप्पणी की लोकतंत्र की विश्वसनीयता को लेकर करके। तो क्या इन सच्चाई से हम अपने को अलग रख सकते हैं क्या? मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव में ये होना क्यों जरूरी है? मतलब आज मैं जिस प्रदेश से आता हूँ बिहार में, वहाँ पहले हर चुनाव में 10-12 लोग मरते थे, अब वो तो अतीत की बात हो गई ना। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो, कहीं एक आध जगह कुछ होता है तो फिर कार्रवाई होती है, आप लोग उसको एक्सपोज करती हैं। लेकिन बंगाल में ये पैटर्न क्यों बन रहा है? ठीक है, वामपंथियों का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, मैं मानता हूं, लेकिन ममता जी तो क्या हो गया, तुमसे लड़ के आई थी ना, तो क्या उनके खिलाफ हवा कमजोर हो रही है क्या, लोगों में गुस्सा आ रहा है क्या? ये बातें हैं, बाकी तो मैं देखूंगा, जाऊंगा, हमारे साथियों के साथ जाएंगे, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। हाँ, ग्राम पंचायत अंजना जी भारत के संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र की पहले सबसे मजबूत सीढ़ी है। आपको मालूम है कि आजकल ग्राम पंचायत में कितना फंड जाता है, भारत सरकार का भी जाता है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता है, तो अगर इस तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ, कोई पहली बार ये हिंसा नहीं हो रही है बंगाल में, ये समझना चाहिए। बाकी तो मैं देखूंगा जाकर के, फिर अपनी रिपोर्ट हम लोग देंगे। ठीक है, अभी से ही। हाँ, एक बात अन्ना जी मैं जरूर कहूंगा, एक बात मैं कह दूं आपके चैनल पर, और ये बड़ा गंभीर सवाल है। पटना में लोग मिले थे विपक्षी एकता के नाम पर, मेरी आवाज सुन रही है मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 ऑन एयर जा। हेलो, पटना मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां ये लोग मिले थे विपक्षी एकता के नाम पर, और वहां ये कहा गया कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को कमजोर करके समाप्त कर रही है, इसे लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षियों का एक आना जरूरी है। ये सबसे मुखर सर उसमें एक ममता जी का भी था, राहुल जी का भी था। ये क्या हो रहा है बंगाल में, ये कौन से लोकतंत्र का रक्षण हो रहा है? ये तो कहीं जवाब देना पड़ेगा ना। और नीतीश कुमार भी खामोश हैं, राहुल गांधी भी खामोश हैं, और तो और वामपंथी भी खामोश हैं। अधीर बाबू हिम्मत दिखा रहे हैं बोलने की, अच्छी बात है। कांग्रेसी भी मारे जा रहे हैं, वामपंथी भी मारे जा रहे हैं, भाजपाई भी मारे जा रहे हैं, टीएमसी वाले भी मारे जा रहे हैं। तो क्या है भाई, क्यों है ये क्यों होना चाहिए? इसकी जवाबदारी तो कभी देनी पड़ेगी ना, जो चुनाव करवा रहे हैं, जिनकी सरकार है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत राज्यपाल रविशंकर जी आए हुए हैं, राज्यपाल बंगाल के गृहमंत्री से भी मुलाकात है, उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात है। आप इधर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 355 वहां लग जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी के नेता है, भतीजे हैं ममता जी के, वो कह रहे हैं कि इन राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का नहीं मणिपुर का राज्यपाल होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की हिंसा तो परेशान करती है, मणिपुर की क्यों नहीं? ऐसा है कि अब इस गैर जिम्मेदारना हल्के आरोप का मैं क्या जवाब दूं? वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन बैठ के आए कि नहीं, सबों से बातचीत किया कि नहीं, पीस कमेटी बनी है या नहीं बनी है, वो एक कारण है, आप भी जानती हैं। कई सरहद के पार के
चरमपंथी वहां खुराफात कर रहे हैं, बाकी है तनाव है दो समुदाय के बीच में, चीजों को ठंडा किया जा रहा है, काफी कुछ नियंत्रण में स्थिति है, अच्छी बात है ना। मैंने आपको क्या राज्यपाल आप चाहते हैं, आपके बिल्कुल नियंत्रण में रहे राज्यपाल, यही चाहते हैं क्या आप? राज्यपाल अपने संवैधानिक ड्यूटी का कोई दायित्व तो नहीं पूरा करे क्या? ये क्या मतलब है इसका? मैं अभी कोई बहस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर मैं कहूंगा जिनकी सरकार है, लोकप्रिय सरकार का दावा है, लोकतांत्रिक कमिटमेंट का दावा है, उनके यहाँ लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत के चुनाव में बम हत्या पिस्तौल क्यों हो रहा है? और ये सब तो आपके चैनल पर दिखाई पड़ रहा है, छुपाने की क्या बात है? इसका जवाब कौन देगा? एक आखिरी सवाल है सर आपसे, और वो ये है कि उनका एक तर्क ये भी है कि हम खुद ही अपने राज्य की बदनामी क्यों करेंगे, अपने सरकार की बदनामी हम क्यों करेंगे, हम क्यों उस तरह की हिंसा होने देंगे, ये बीजेपी ये हिंसा करा रही है। और इसी में एक प्रश्न ये जुड़ जाता है कि आप जब वहां जाएंगे तो आपकी कमेटी क्या करेगी, कुछ सोचा है आपने? अब मेरी कमेटी क्या करेगी वो हम जाके सोचेंगे, छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, हम लोग अनुभवी लोग हैं। फिर एक ही बात कहूंगा अंजना जी, मैं अपेक्षा करूंगा हमें जाने दिया जाएगा। अतीत में कई बार सांसदों की टीम को जाने नहीं दिया गया, ये सच्चाई है कि नहीं? जरा अपने फुटेज को निकाल लीजिए तो आप अपने रिसर्च टीम को कहिए कि पूर्व में कितने सांसदों की टीम को एयरपोर्ट से ही वापस कराया गया, इसका फुटेज निकाल लें देखा जाए। तो फिर यही कहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सांसदों की कमेटी बनाई है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्रभावी इलाकों में जाने दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। अब जब रिपोर्ट आएगी तो इंतजार रहेगा कि तब आप टीवी पर आकर दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ निकलता है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके पास अब एक बार विनय सिंह साहब आना चाहती हूं कि ये जो जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है और ये हिंसा का इतिहास कोट कोट कर बताया जाता है और सभी पार्टियों के लोग मारे जा रहे हैं, पिछली हिंसा को कोट किया जाता है, इस चक्रव्यूह से कैसे बंगाल निकलेगा, किसकी गलती है, किसकी चूक है? इतिहास की बात तो करनी पड़ेगी अंजना जी, क्योंकि एक परंपरा बन गई, पहले सीपीएम में परंपरा थी, अब टीएमसी में परंपरा आ गई। यही टीएमसी, ममता दी खुद, इनके कपड़े फाड़े गए, इनके हत्या का प्रयास हुआ, इनको इतना जलील किया गया, कई बार हत्या के प्रयास हुए। ममता दीदी आई तो एक आशा बंधी, लड़ करके आई है, तो जिनसे लड़ करके आई है उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। वही लोग जो पहले बॉम्ब के कारीगर थे वो अब टीएमसी के कारीगर हैं, जो सीपीएम के कारीगर थे। और ताज्जुब है ना जी, मोहल्ले में घूम आइए, बंगाल के हर शहर के बड़े मोहल्ले में घूम आइए, वहां कुछ लोग मिल जाएंगे जिनका दोनों हाथ उड़ा हुआ है, एक हाथ उड़ा हुआ है, लूला के नाम से उनको उपनाम से बोलते भी हैं। किस कारण उड़ा हुआ है? तो बॉम्ब बनाने में उड़ा हुआ है। और इन कारीगरों की बड़ी इज्जत होती है, मैं बता रहा हूं, वहां पे चुनावी पार्टियों में बड़ी इज्जत होती है, कई पार्टियां उनको पेरोल्स पे रखती हैं। और चलते चलते बॉम्ब बना लेना, ये हुनर है वहां, भले ही भारतीय संविधान के हिसाब से क्राइम हो, लेकिन अच्छा बॉम्ब का कारीगर होना ये हुनर है। दूसरा मैं बोल रहा हूं, अभी 39 लोग मारे, तो दादा को दिखाएगा, पिछली बार भी मारे गए लोग, तो चुनाव लड़ने से पहले हिंसा, जो उम्मीदवार है उनके साथ हिंसा, चुनाव जीत जाइए, अभी तो चुनाव हो रहे हैं और हिंसा हो रही है अंजना जी, अभी तो असली ट्रेलर बाकी है, जो जीत करके आएंगे उसमें से कई लोग मारे जाएंगे, जो लोगों ने वोट किया है दूसरी पार्टियों को उनका भी स्थापन होगा। और पिछली बार जिनका भी स्थापन हुआ था, अभी तक अंजना जी लौट करके बंगाल नहीं आए हैं, दूसरे दूसरे राज्यों में शरणार्थी की तरह जी रहे हैं लोग। जयंत दा, किसकी चूक है ये, किसकी गलती है, क्या समझ में आता है क्या? और ये तो अभी पंचायत चुनाव में ऐसा ही होता है, हालांकि पंचायत चुनाव में ऐसी हत्याएं होती रही है पहले भी, लेकिन 24 के पहले क्या ये लग रहा है कि सबसे बड़ा ये चुनाव है, इसमें लोकप्रियता का मीटर निकलेगा? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ये बहुत दुखद मतलब घटना, ब्लैक डे बेसिकली, और आज यहां कंडेम करना, हिंसा को ऐसे कोई है जो कंडेम नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि रिजू, मेरा छोटा भाई है, सबसे कठिन काम तो आज रिजू को करना पड़ रहा है, क्योंकि तृणमूल का कितने मर गए हैं, बीजेपी का कितने मर गए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स बड़ी बात नहीं है, इंसान मर गए हैं, गरीब आदमी मर गए हैं। जो वहां भाजपा वर्कर है वो कोई दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पढ़ के भाजपा वर्कर बने हैं, ऐसे नहीं है। जो तृणमूल का वर्कर है वो पंचायत का प्रधान बनना चाहता है, पंचायत बनना चाहता है, इट हैज बिकम ए लाइवलीहुड। आप तो बॉम्ब दिखा रहे हैं, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैं कहूंगा पॉलिटिकल डिपेंडेंस
पंचायत चुनाव के ऊपर, क्योंकि पंचायत में जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे, ये जो स्थिति है इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टडी भी करना चाहिए सर, क्योंकि अभी हेवी इंडस्ट्री नहीं है, अभी नौकरी के लिए जो अभी भी जो जॉबलेसनेस है उसमें पंचायत करने से पंचायत प्रधान का 6,000 रुपया मिलता है, लेकिन जो जो सेंट्रल प्रोजेक्ट वहां काम करता है उससे कुछ पैसा जो आमदनी होता है, एक तो आर्म्स इंपोर्ट मुंगेर से पहले होता था, हम लोग अभी इंडिपेंडेंट हो गए, हम हमारे पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं बम और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये दुखद है या नहीं? अगर मध्य प्रदेश में ये होता तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का, इवन पैरामिलिट्री फोर्स का भी, जो टॉपोग्राफी कहां सेंसिटिव है या नहीं है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन तय करते हैं। तो इस स्थिति में जब पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में हम इसमें क्या कमलनाथ को बोलेंगे ऐसे अगर होता? हम तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसको somebody has to take the responsibility। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के पार्टी ये करा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि विक्टिम ममता बनर्जी हो रहे हैं, आज आज जो शिकायत है वो तो ममता के खिलाफ ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थिति सीपीएम वर्सेस तृणमूल में हुआ था, मैंने देखा था जब तृणमूल का पावर बढ़ रहा था तो सीपीएम के लोग भी एक एक कॉम्बेरेटिव पॉलिटिक्स शुरू होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट वहां होता है जहां दोनों का फोर्स रहता है, 2018 के चुनाव में अनकॉन्टेस्ट था, वहां संख्या हत्या का ज्यादा था, लेकिन यहां संघर्ष ज्यादा हुआ क्योंकि बीजेपी का स्पेस बढ़ गया है, जहां बीजेपी नहीं था आज नॉर्थ बंगाल में बीजेपी है। आपको तो यू हैव टू गिव द शेयर टू द डेविल ऑल्सो। आप अभिषेक बंदोपाध्याय, मैं उनके जो सोच है उनके ऊपर सम्मान रखता हूं, अभिषेक ने बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस टू द वायलेंस, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बोले हैं। तो जब सफल नहीं होते हैं उस काम में, अगर दो लोग भी मर जाते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मान लीजिए आज ही सुबह मुझे एक रिपोर्ट मिल देख रहा था कि कल चुनाव में हिंसा, कल काउंटिंग डे में बड़ा हिंसा होने का संभावना है, क्योंकि असम बॉर्डर से कुछ लोग आ रहे हैं, और वो मेरा कहना है कि अगर ये रिपोर्ट है, अगर बीएसएफ कुछ कर रहे हैं, जो शिकायत ये सब तृणमूल कर रहे हैं, तो उसको कॉम्बैट करने का जिम्मेदारी तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है, योगी गवर्नमेंट का नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें तू तू मैं करना, उसमें पॉलिटिकल फायदा किसका होगा किसका नहीं होगा, कभी तो कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग भी कॉल करना चाहिए, अभी उसमें कम से कम एक कॉन्सेंसस इवॉल्व करना चाहिए कि बहुत हिंसा हो गया है पश्चिम बंगाल में, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, कम से कम ये मैसेज तो इट शुड बी कन्वेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल दिनेश वाष्णेय जी, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि आज लेफ्ट बिल्कुल चुप है, क्या है ये? मोदी से लड़ना है इसलिए विपक्षी एकजुटता बनाना है, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार में जो कुछ हो रहा है उस पर भी आंखों में पट्टी लग गई आपके? अंजना जी, मुझे रविशंकर प्रसाद के प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं देना क्योंकि मैं, हमारा ये मानना है कि मौजूदा हालात में जो बंगाल में हिंसा हो रही है उसमें टीएमसी और बीजेपी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों हिंसा में शामिल हैं। टीएमसी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, पर बीजेपी वाले भी जानते हैं, जनता खुद बता रहे हैं कि बम बनाने में बंगाल आत्मनिर्भर हो गया। आपका कहने का मतलब है कि बंगाल की पुलिस को और भारत सरकार की जो सेंट्रल फोर्सेज वहां गई है उनको रूट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वेपन्स नहीं पता है, उनको कौन से रास्ते से हथियार और सुतली बम आ रहे हैं ये नहीं पता है। बड़े अफसोस की बात है, ये सरकारें चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं, बनाना रिपब्लिक चला रहे हैं, ये बिल्कुल दोनों शामिल हैं, एक जानबूझ के हिंसा कर रहे हैं जिससे बंगाल की जनता जो है आगे वामपंथियों के विषय में ना सोचे। एक भी वामपंथी नेता पे आपने कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया? टीएमसी पे लग रहा है, बीएमसी के बीजेपी के प्रधानों पे लग रहा है, हमारों पे तो नहीं लगा। जो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग गुंडे थे, तो आप मुझे बताइए कि किसको हमने नॉमिनेशन भरने से रोका था, कितने रोके थे बताइए उस जमाने में, जबकि पुलिस भी इतनी नहीं मिलती थी उस जमाने में, ना ड्रोन टेक्निक थी फॉलो करने के लिए उस जमाने में, ना इंटेलिजेंस फोर्सेज इतनी थी, किसको आप बात बता रहे हैं? आप ये
वैसे तो आप एनआईए भेजते हैं, वैसे तो आप सारी फोर्सेस भेजते हैं, और वैसे आपको ये नहीं पता सुतली बम कहां से बन के आ रहे हैं। ये दोनों वैसे ये प्रश्न मैं दोनों से पूछ लूंगी दिनेश जी, हिंसा का खेल खेलते हैं। लेकिन एक कहावत है, ये हिंसा का खेल केरल में खेला था बीजेपी ने, ये हिंसा का खेल मणिपुर में खेल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना डिस्टेबिलाइजेशन होगा, जितनी अस्थिरता होगी, जितनी पृथकता आएगी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन दिनेश जी एक कहावत है, चुनावी हिंसा पर जब लेफ्ट वाले ज्ञान देते हैं ना, तो सूप दूसरे तो दूसरे, छलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप लोग जब ज्ञान देते हैं ना चुनावी हिंसा पर पश्चिम बंगाल में, तो ये सब कहावतें याद आ जाती हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद ये हिंसा हुई है, नहीं आप कैसे हाथ झाड़ सकते हैं? बंगाल में हमने कब बैलेट पेपर लेके भागे, कब हम बैलेट बॉक्सेस लेके भागे? अंजना जी पिक्चर दिखाइए जरा। गौरव जी, अंजना जी अभी आपने कहा, हाँ अंजना जी अभी आपने कहा था कि चुनाव आने वाले नागालैंड में पृथकता वाली लोगों से इनका संबंध है, मीटर है ये चुनाव, इसलिए शायद हिंसा हो रही है। तो मैं एक बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, लोकप्रियता का मीटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अराजकता और जंगल राज का अगर मीटर होता तो वो मीटर टूट जाता पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, दिनेश जी एक सेकंड गौरव जी, दिनेश जी आप आज तक पर बैठे हैं, एक सेकंड आप आज तक पर बैठे हुए, शाउटिंग मैच वाला चैनल नहीं है ये, उसका टाइम बाद में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जिसका नाम वो ही बोलेगा। ठीक दिनेश जी, नहीं नहीं नहीं, शाउटिंग में ऑडियो नहीं जा रहा आपका, हमारे यहाँ एक वक्त पर एक व्यक्ति का ऑडियो जाता है, शाउटिंग मैच वाला टाइम अभी नहीं हुआ है सर, रुकिए थोड़ा, वो बाद में होता है। ठीक है गौरव जी, बात पूरी कीजिए। धन्यवाद अंजना जी। जो आज हिंसा बंगाल में हो रही है, ये पहली बात नहीं हो रही है, हमने देखा है कि अगर वहां का नागरिक वोट का अधिकार इस्तेमाल करना चाहता है और वो अगर टीएमसी के साथ नहीं होता है तो उसको जान से हाथ गंवाना पड़ता है, ये चिंताजनक है। मैंने 2 मई का भी उदाहरण दिया, बीरभूम का भी दिया, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि टीएमसी का प्रवक्ता क्या बोला आपके चैनल पे, उसने ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई हुई है, आगे भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसने हाँ ये बता दिया कि जो 39 लोग मारे गए हैं उसमें 25 टीएमसी के हैं। तो मैं कहूंगा ममता बनर्जी संविधान पढ़े और संविधान में देखे शेड्यूल 7 लॉ एंड ऑर्डर, एक प्रदेश की जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो चाहे टीएमसी का हो, नागरिक तो था वो मारा गया, तो ये धब्बा किसके दामन पर लगा, ये ममता बनर्जी के। और ममता बनर्जी गुस्सा फुल है, कानून व्यवस्था गुल है, क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाती है अंजना जी, डिप्लॉय होती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है और प्रदेश की सरकार कहती है, उन पे आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही बात करी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, AIMIM के प्रवक्ता ने तो इसमें धर्म ढूंढ लिया, लाशों पे गिद्ध गए और गिद्ध ने कहा ये मुस्लिम लाश है, ये हिंदू लाश है, ये सिख की है। अरे भैया ये नहीं समझ में आया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई है? और क्यों चुप्पी साधे है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जो बात अभी रविशंकर प्रसाद जी ने भी कही, राहुल गांधी जो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज एक वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं, यह चिंताजनक है। और तीसरा मैं यही कहूंगा, लेफ्ट किसी समय पे पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से सबसे मजबूत पार्टी थी, आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ थी, कांग्रेस का एक विधायक आया था। यही हश्र ममता बनर्जी का होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं उनको विकास चाहिए, और विकास कोई दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है, कानून व्यवस्था कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। रिजू दत्ता साहब, देखिए गंभीरता को समझिए, आप लड़िए, मुकाबला कीजिए 24 के लिए मोदी के खिलाफ, विपक्षी एकजुटता का बड़ा मंच बनाइए, सबको बुलाइए, सबसे मिलिए, जिसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं सब पूरी हो। लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक वजहों का लेखा जोखा जयंत घोषाल ने दिया, जब विनय सिंह आपको बता रहे हैं कि कैसे बॉम्ब का एक पूरा कारोबार बन रहा है वहां पर, आत्मनिर्भर बन रहा है बंगाल, पहले आप लोग मुंगेर से खरीदते थे जो, और देसी कट्टे मैंने वहां जाकर कवर किया हुआ है जयंतोदा, घरों में देसी कट्टे मुंगेर में बनते हैं, वो सब खरीदा जाता था, लेकिन अब तो बॉम्ब स्पेशलिस्ट हो गए हैं और आप लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं बॉम्ब में,
ये कौन रोकेगा? नौकरियों की बात जब पूछी जाएगी आपसे कि 6,000-8,000 के लिए पंचायत चुनाव को लेकर इतना ज्यादा लोगों में अग्रेशन आ रहा है कि वो पंचायत का मुखिया बने, उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो ये सब कौन ठीक करेगा? ठीक तो हमें ही करना पड़ेगा अंजना जी, क्योंकि यहाँ पर लोकप्रिय पार्टी की बात हो रही है। अब थोड़ा वक्त दे दीजिएगा सबको जवाब देने के लिए। जब लोकप्रिय पार्टी की बात हो रही है तो बीजेपी या कांग्रेस के वोट से हमारी तीसरी बार की सरकार नहीं बनी, बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद किया, ये थोड़ा लोगों को याद दिलाना चाहिए। और ये भी लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2021 में बंगाल में आके आपकी बार 200 पार नारे देने वाले 100 भी नहीं पार कर सके, क्योंकि बंगाल की जनता ने उन्हें यहां से भगाया था। क्वेश्चन नंबर वन। दो नंबर बात, यहाँ वारिस पठान साहब इसमें भी हिंदू मुस्लिम, मैं उनको एक चीज बता दूं, वारिस पठान साहब आपके पार्टी में जितने मुसलमान नहीं है ना, उससे ज्यादा कर्मी और समर्थक मुसलमान हमारी पार्टी में है, तो ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए हर चीज में। तीसरी, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे एक कमेटी का अध्यक्ष बनाओ, मैं किसकी कमेटी? बीजेपी की कमेटी। बीजेपी की कमेटी यहाँ पर जब सब सारा चीज शांत हो गया, यहाँ पर क्या करने आएगी? जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? आपके तेवर से लग रहा है कि जाने नहीं देंगे? मैं सीधी जुबान में कह रहा हूँ अंजना जी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, डिसीशन सरकार लेगी, पर मेरे ऊपर होता तो उनको आग में घी डालने पे पहचाना जा रहा है पश्चिम बंगाल, सीधा बात हो गया। आज मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ, सैटरडे और आज है आपका मंडे, शनिवार को गौरव जी रुक जाए, गौरव जी रुक जाए, रिजु दत्ता आप ये कह रहे हैं, मैं क्या मैं खत्म कर सकता हूँ? नहीं रिजु जी, रिजु जी क्यों रोकेंगे, क्यों रोकेंगे आप? अगर बीजेपी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाती है तो क्यों रोकेंगे? कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं है यहाँ पर, वो घी डालने आ रहे। देखिए अंजना जी मैं एक सीधा बात करता हूँ, आंकड़ों की बात आप करते हैं ना, तो 600 बूथ में रिपोलिंग हो रहा है, अब फर्ज कर लीजिए 600 बूथ में ही झमेला हुआ है, ब्लडशेड हुआ है, 600 में तो हार नहीं हुआ है, पर 600 भी अगर पकड़ लीजिए, टोटल बूथ पंचायत में कितना था? 61,000 से ज्यादा, 696 है, पहले तो नंबर सही करिए, अगर उससे भी माइनस कर दीजिए, अरे 700 पकड़ लो, अरे तुम 696 700 के आसपास पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? कार्रवाई क्या हुई है बताइए, क्यों दे रहे हैं अंजना जी? फिर हम कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है? रिजु जी एक सेकंड, एक साथ दोनों एक साथ मत बोलिए, फिर शाउटिंग मैच नहीं, आवाज नीचे कर दूंगी। नहीं प्लीज गौरव जी, प्लीज रिजु जी, मतलब आप हिंसा भी नहीं रोक पाएंगे आप दूसरी पार्टी, एक सेकेंड चिल्लाइए मत, आप हिंसा भी नहीं रोक पाएंगे, आप अपनी नाकामी भी नहीं मानेंगे, आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी दूसरी पार्टी की नहीं आने देंगे, चाहते क्या? या तो आप मुझे रोक देते या बीजेपी चिल्लाने लगता है, तो मेरा बात खत्म तो कर लूं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। आज शनिवार को सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी के नेताओं के पीछे घूम रहा है, शुभेंदु के पीछे घूम रहा है, निशित प्रामाणिक के पीछे घूम रहा है, क्यों नहीं था सेंट्रल फोर्सेस जब इतनी लाशें गिर गई? और आज जब सेंट्रल फोर्सेस थी, जब 700 करीब कंफ्यूज हुआ, एक भी हादसा नहीं हुआ,